तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय लियोन फेस्टिंगर। इसका राइट आंसर है लियोन फेस्टिंगर। क्वेश्चन नंबर 32। द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद अदर्स इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। इसका सही आंसर है पर्सनैलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रीड, और ट्रेड थ्योरी दी थी गॉर्डन ऑलपोर्ट ने, और सेल्फ थ्योरी दी थी कार्ल रॉजर्स ने। तो ये तीनों पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिसीजन थ्योरी पर्सनैलिटी थ्योरी नहीं है। 34th, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज टूवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंड। इसका आंसर राइट आंसर है सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। मैनेजरियल फिलोसफी एंड अप्रोच ऑफ जैपनीज इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ जी या फिर जेड, और ये थ्योरी दी गई थी बाय डॉक्टर विलियम आउची। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कंपनी को अपने एम्प्लॉय पे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसको एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देनी चाहिए और एक तरीके से फैमिली ट्रीटमेंट देना चाहिए, चाहे ऑन द जॉब हो या ऑफ द जॉब, सो दैट उसकी लॉयल्टी कंपनी से बनी रहे। ओके, तो जेड थ्योरी पे जैपनीज मैनेजमेंट स्टाइल बेस्ड है और ये दी थी डॉक्टर विलियम आउची ने। क्वेश्चन नंबर 36। पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉन होलैंड। क्वेश्चन नंबर 37। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ में बिलीव करेंगे तो वो सच में हो भी जाएगा, और इसे हम पिगमेलियन इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर हम इसे इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं, इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक हर्जबर्ग। क्वेश्चन नंबर 39। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप आर नॉट इंक्लूडेड। एक फॉर्मल ग्रुप जब बनता है तो उसमें हर एक पर्सन को, हर एक टीम मेंबर को कुछ काम दिया जाता है, तो उसमें वर्क स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें चेन ऑफ कमांड भी होती है और उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल भी होता है। इट्स लाइक कौन किसको रिपोर्ट करेगा। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 40। विच कोर जॉब डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल दिया था रिचर्ड हैकमैन और ग्रेग ओल्डहैम ने। ठीक है, हैकमैन एंड ओल्डहैम। और इसमें जो डायमेंशंस इंक्लूडेड हैं वो है स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, और इसके अलावा दो और हैं, ऑटोनोमी और फीडबैक। तो इसका राइट आंसर है जॉब इवेल्यूएशन। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल कहता यह है कि अगर हम टास्क को चैलेंजिंग बनाएंगे तो एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट होगा, और अगर वो कोई टास्क मोनोटोनस या बोरिंग होगा तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा। तो ये तीन डायमेंशंस तो है ही इस मॉडल में, इसके अलावा ऑटोनॉमी और फीडबैक ये दोनों भी हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आई हैव गिवन दिस लिंक ट्री लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स।